नमस्कार साथियों, मैं गुलशन चौरसिया। रूट प्लान के तहत मोबाइल साइंस लेबोरेटरी आज आ चुकी है जिला अंबाला के नारायणगढ़ ब्लॉक में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बधोली में, जो कि आज का हमारा दूसरा स्कूल है नारायणगढ़ का। हमारे साथ स्कूल की वाइस प्रिंसिपल शालिनी मैम मौजूद है। आइए मैम से जानते हैं जो आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, मैम स्कूल में टाइम टू टाइम होते रहे। सर, जैसे साइंस एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है, तो जैसे आज यहाँ पे जो हमारे यहाँ टीम आई है उन्होंने 6 to 8 का अलग से, 9th और 10th का, क्योंकि 11th 12th में हमारे पास साइंस नहीं है, तो उन बच्चों का अलग से उनको एक्सपेरिमेंट करवाया गया जो कि बच्चों ने ना खुद करके देखे। तो साइंस जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए ऐसी विजिट्स टाइम टू टाइम होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जब उन्होंने अपने आप से प्रैक्टिकल किया तो ये एक मतलब उनके लिए लर्निंग बाय डूइंग की एक्टिविटी रही, जो कि बहुत अच्छी रही। तो बहुत अच्छा यहाँ का आज का कार्यक्रम रहा, तो ये और फ्रिक्वेंटली ये विजिट आप लोगों के होनी चाहिए यहाँ पे। थैंक यू। मेरा नाम तमन्ना है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में एक साइंस बस आई है, विज्ञान का जंतर मंतर। इन्होंने हमें साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स सिखाए हैं जो कि हमने खुद करके देखे हैं, और ये हमारे सिलेबस में भी थे। और इन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया है जो कि हमारे स्कूल में कभी नहीं हुआ, हमने ये पहली बार देखा है। इन्होंने हमें बताया कि साइंस क्या है। साइंस हमें ऐसे भी नहीं पता था कि साइंस क्या होती है। हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वह ही साइंस है। और इन्होंने इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इस बस का बहुत बहुत धन्यवाद, और इन टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इतने सारे एक्सपेरिमेंट सिखाए और हमसे ही करवा कर देखे। और ये हमारे जीवन में आगे तक चलेंगे और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। घर्षण, चुंबकीय, अवतल लेंस, उत्तल लेंस की पहचान करवाई और हमसे ही करवा कर देखे, हमसे पूछा भी, और बहुत सारे लैक्टोमीटर, थर्मामीटर और TDS। लैक्टोमीटर से हम यह पहचान कर सकते हैं कि हमारा दूध शुद्ध हो, और अगर हमारा 0.30 पर हो तो हमारा दूध पूरा शुद्ध है, और अगर 30 से नीचे है तो उसमें पानी की मिलावट हो रखी है, अगर 30 से ऊपर है तो उसमें असली फैट निकाल कर नकली फैट डाली हुई है। और TDS से हमें यह पता चलता है कि हमारा पानी शुद्ध है। 75 से लेकर 250 तक के बीच में हमारा जो आए थे वो शुद्ध पानी होता है। हमारे स्कूल का जल 240 आया है, हमारे स्कूल का जल बहुत शुद्ध है। मेरा नाम मन्नत है, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में साइंस बस आई है, विज्ञान का जंतर मंतर। इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इन्होंने हमें बहुत बहुत सारे टॉपिक्स पर सिखाया। इनमें से एक है वायु दबाव से एक गोले में हवा निकाली जाती है और उसे खींचकर खोला जाता है, और हम नहीं खोल पाए, जिससे हमें पता चलता है कि वायु दबाव क्या है। दूसरा टॉपिक है डांसिंग बॉल, हवा में डांस करती है। हम चाहते हैं विज्ञान बस बराए। धन्यवाद। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में साइंस बस आई थी जिसका नाम विज्ञान का जंतर मंत्र है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने हमसे एक्सपेरिमेंट भी करवाए हैं, और हमने घर्षण, चुंबकीय, बहुत कुछ सीखा है उनसे। हमारे स्कूल में साइंस का टीचर भी नहीं है, उन्होंने हमारे सिलेबस में से बहुत कुछ करवाया। मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में महीने दर वे आते रहे और महीने दर से भी अधिक आए, जिससे कि हम साइंस में कुछ सीख सके। धन्यवाद।